वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। पीबीआर स्टडी परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रात्रि के 10 बज चुके हैं और आपकी डीएलएड की क्लास शुरू हो चुकी है। जल्दी से आप लोग जुड़ जाएं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, ध्यान देंगे आप लोग, ये डीएलएड की थर्ड सेमेस्टर की क्लास है। जैसे आप जानते हैं, मंडे और ट्यूजडे यानी सोमवार मंगलवार सेकेंड सेमेस्टर होता है, बुधवार और बृहस्पतिवार थर्ड सेमेस्टर, और शुक्र और शनिवार आपकी फोर्थ सेमेस्टर की क्लास होती है। ठीक है ना, क्लियर है सब कुछ। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो कुछ लिखा गया है बोर्ड पे आपको दिख रहा है बिल्कुल क्लियर। क्वालिटी चेंज कर लें, आपको अच्छा दिखेगा। बिल्कुल फुल एचडी क्वालिटी क्लास है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, यहाँ लिखा गया समानुपात यानी कि प्रोपोर्शन, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है। अच्छा दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। बिल्कुल आप लोगों की किस्मत बहुत अच्छी है क्योंकि लाइट भी तुरंत आ गई जैसे कि आपकी क्लास शुरू हुई है ना। देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि समानुपात क्या होता है। समानुपात क्या होता है, यदि चार राशियों को इस प्रकार लिखा जाए, आपके सामने परिभाषा दिख रहा है कि प्रथम राशि द्वितीय राशि से उसी प्रकार संबंधित है या उसी प्रकार का उसका संबंध है जो तृतीय राशि का चतुर्थ राशि से हो, तो वो समानुपात में कहलाती है। ठीक है, और अगर इसके आगे चले तो इसके आगे देखिएगा इसमें क्या कह रहा है, चिन्ह कैसे होता है, समानुपात का चिन्ह। समानुपात को अक्सर चार बिंदु से ऐसे दिखाया जाता है। चार बिंदु मतलब जानते हैं, ये तो मैंने कामा लगाया बगल बगल में, इस पे आप चाहे तो कुछ भी ना लगाएं, ये समानुपात का चिन्ह यही होता है। ये देख रहे हैं ना, चार बिंदु, जैसे ए अनुपात है बी, और फिर बी के बीच में चार बिंदु आपको दिख रहे होंगे जो कि समानुपात के चिन्ह है, इन्हें समानुपात का चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, और इसके बारे में हम बात करते हैं तो आप लोग ध्यान देंगे थोड़ा सा और देखेंगे। ये चिन्ह हो गया, उदाहरण के रूप में हमने आपको ये लिख के दिखाया है, इसे पढ़ेंगे, एक अनुपात है पांच, समानुपात है नौ, अनुपात है दो, समझ गए ना। तो आपात आती है इसमें जो पद होते हैं, आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम मिटाते हैं आगे बताते हैं। जल्दी करें, फट से, देर नहीं, जल्दी से स्क्रीनशॉट निकाले फट से। हो गया, देखिए इसमें जो चार पद होते हैं उसमें से पहले और चौथे पद को क्या बोलते हैं, वाह्य पद बोलते हैं, और दूसरे तथा कौन से तीसरे पद को मध्य पद बोलते हैं। जैसे देखिए बना हुआ है, मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, ए बी यहाँ समानुपात सी डी। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये दूसरा और तीसरा पद जो है ये मध्य पद कहलाता है। क्या कहलाता है, मध्य पद। और जो लास्ट वाला है और ये आपका कहलाता है वाह्य पद। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल के लिए अगर सात अनुपात पांच, समानुपात दो अनुपात तीन लिखा, तो ये दोनों मध्य पद और ये दोनों वाह्य पद, समझ गए ना। तो आगे हम देखते हैं इसके बारे में कुछ और भी महत्वपूर्ण फैक्ट, ध्यान दीजिएगा और इस क्लास को पूरा देखिएगा, जल्दी से लाइक कर दें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बात ध्यान दें, हमने आप लोगों के नाम बुलाने कम कर दिए हैं क्योंकि काफी लोगों की शिकायत आती थी कि भाई क्लास में बोलते ज्यादा हैं और पढ़ाते कम हैं, तो इस वजह से हमने ये निर्णय लिया है कि अब ज्यादा किसी का कमेंट वगैरह नहीं देखा जाएगा, केवल और केवल क्लास आगे चलेगी, जिससे कि 5-10 मिनट में ही काफी कुछ क्लियर हो जाए। तो अगर कहीं इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है समानुपात में, तो आप इसे इस तरह का फार्मूला में सेट कर सकते हैं, पहला पद गुणा चौथा पद बराबर का चिन्ह लगा करके दूसरा पद का गुणा तीसरे पद में, यानी कि पहला पद मतलब पांच, चौथा पद मतलब सात बराबर दूसरा पद मतलब दस और तीसरा पद मतलब दो। इस तरह से आप इसे 35/20 लिख सकते हैं, समझ गए ना। इसके आगे अभी आपको हम प्रोसेस बताएंगे, ध्यान दीजिएगा इसके आगे का क्या स्टेप होगा। देखिए, अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि समानुपात से संबंधित हैं। ध्यान दें, आपके सामने दिख रहे हैं जो कुछ, उनको ध्यान से देखें। इसको फिर से हम रिपीट कर देते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य में देखिए, यदि दो अनुपात समानुपात में हैं, तो वाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। अभी आपने इसको देख लिया है ना, और देखिए यदि दो अनुपात समान नहीं होते हैं तो वे राशियां समानुपात में नहीं होती हैं। अभी इससे संबंधित सभी सवाल हम लोग देखेंगे, पहले इसको याद कर लें, लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो को रोक रोक करके कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है ना,
उसके बाद हम बात करेंगे सतत अनुपात की। सतत अनुपात क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, हम आपको दिखाते हैं क्या है ये। देखिए सतत समानुपात की परिभाषा देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, इसका एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। सतत समानुपात क्या होता है, जब तीन सजातीय राशियों में से पहली और दूसरी राशि का जो अनुपात है वो दूसरी और तीसरी राशि के बराबर हो तो इसे सतत समानुपात कहा जाता है। फिर से सुन ले, जब तीन सजातीय राशियों में से, तीन है चार नहीं है, जब तीन सजातीय राशियों में से पहली और दूसरी राशि का जो अनुपात है वो दूसरी और चौथी राशि के बराबर हो तो इसे सतत समानुपात कहते हैं। एग्जांपल देखिएगा, इसके एग्जांपल क्या है वो आपके सामने आ रहे हैं, बस तुरंत इसको आप इस एग्जांपल से अच्छे से समझ सकते हैं। यदि ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी बराबर सी अनुपात डी और फिर बराबर डी अनुपात ई, तो ये सतत समानुपाती कहलाते हैं। मतलब समझिएगा, यानी एक अनुपात में है बी, फिर अगले भाग में जो है इसमें का पिछला वाला जो पार्ट है ये इसमें शामिल है, मतलब बी जो है इसमें शामिल है, और इसके जो लास्ट वाला पार्ट यानी कि सी वो अगले में शामिल है, और अगले का जो लास्ट वाला है यानी दूसरा पार्ट डी वो अगले में शामिल है, और अगले में जो जाएगा क्या होगा, जो इसका ई है वो अगले में शामिल होगा, तो ये सतत समानुपाती इस प्रकार से बनता है। जैसे इसको एग्जांपल से समझ लें, निम्न में कौन सतत समानुपाती है, जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर ये वैसे तो वन नहीं है फिलहाल, लेकिन आप वन ही लिख लें, जल्दी से बताएं कौन सा सही है। तीन चार, चार पांच या सात नौ, एक दो दो तीन, तीन चार या पांच छह सात नौ या नौ दस, जल्दी से कमेंट करो फट से। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। कैसे, देखिए एक के बाद दो है लेकिन दो अगले में शामिल हुआ, फिर इसमें जो दो भाग है यानी कि दो पद है उसमें से जो अगला पद है वो अगले में शामिल हुआ, इसमें का जो अगला पद है वो अगले में शामिल होगा, लेकिन इसमें देखिए ऐसा नहीं है क्योंकि तीन है चार तो अगले में शामिल हुआ, लेकिन इसका अगला पद पांच है, ये पांच अगले में नहीं शामिल हुआ, गड़बड़ कर दिया, वैसे ये भी नहीं है, समझ गए ना। ये होता है सतत समानुपाती। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, इसमें हम आपको एक टॉपिक अभी और बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए पूरी क्लास देखिएगा तभी समझ में आएगा, जो भी क्लास देखे पूरी क्लास देखे, क्वालिटी थोड़ा सा चेंज कर ले, बिल्कुल मस्त दिखेगा। देखिए इसमें आगे क्या है, मध्य समानुपाती, सतत समानुपाती के बाद आता है मध्य समानुपाती, उसी का बड़ा भाई है ये। मध्य समानुपाती क्या होता है ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। यदि ए बी सी सतत समानुपाती हो तो बी को ए और सी का मध्य समानुपाती कहते हैं। कैसे, फिर से देखिए, यदि ए बी सी तीनों सतत समानुपाती हैं, अभी सतत समानुपाती आपने देख लिया, नहीं समझा तो फिर से पीछे से देख लें, नहीं उसको समझेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। अगर कोई तीन पद सतत समानुपाती है तो जो बीच का पद है यानी कि ए बी सी में, देखिए ए बी सी इसमें बी जो है बीच वाला वो दोनों का मध्य समानुपाती है, समझ गए ना। मध्य समानुपाती क्या होता है, बिल्कुल जैसे इसमें देखें चार पांच, पांच छह, छह सात में क्या है, मतलब चार पांच छह जो है ये चार पांच छह ये सतत समानुपाती है, लेकिन इनके बीच में क्या है पांच, तो पांच क्या है इनका मध्य समानुपाती है, किसका, चार और सात का, सॉरी चार और छह का, ठीक ना, चार और छह का मध्य समानुपाती है। अगर पांच और सात का बोलेंगे तो पांच और सात का मध्य समानुपाती छह होगा, समझ गए ना। तो अगर अभी तक भी आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया ना तो समझ लीजिए कि आगे कुछ बोलने लायक नहीं है, तो जल्दी से आप लोग क्लास को लाइक कर दें जिससे कि आपको सभी क्लासें मिल सकें और आप हमारे साथ जुड़े रह सकें। हमारी कोशिश होती है कि आप लोग हमसे डायरेक्ट हमेशा जुड़े रहें और आपकी कोई भी समस्या हो तो हमसे शेयर करें। आप इस व्हाट्सएप नंबर को अपने फोन में सेव कर लें, क्लास से संबंधित सभी अपडेट को आप यहाँ पर स्टेटस में देख सकते हैं। और हाँ इतना ही नहीं, जब अगर कभी YouTube से नोटिफिकेशन ना मिले तो आप लोग यहाँ से अपडेट रह सकते हैं, ठीक है ना। और हाँ इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं pbrstudy.com, यहाँ से आपको सभी PDF फाइल, टेक्स्ट फाइल और अन्य महत्वपूर्ण स्टडी मटेरियल उपलब्ध हो जाएंगे। और इसके अलावा आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहने के लिए 7848 32 999 पर सुबह 9 से 10 और 10 से 11 कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला नंबर जो है 7848 33 999, याद रखिएगा।
इस नंबर पर JOIN ज्वाइन लिखकर अपना नाम वगैरह भेजिएगा, आपको क्लास ज्वाइन कर दिया जाएगा। अगर आप क्लास ज्वाइन कर लेंगे तो आपको किसी भी वनडे एग्जाम के मैथ में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा आप DLED क्लास 10th और 12th की मैथ को भी आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ जीरो लेवल से गणित भी पढ़ सकते हैं। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक की मैथ आप बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं राजकुमार रघुवंशी फिर से मिलूंगा अगली क्लास में, लेकिन उसके पहले अनअकैडमी पर फॉलो करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, ये देखिए अनअकैडमी लिखा हुआ है ना, तो अनअकैडमी पर अवश्य फॉलो करें, जिससे आपको पर्यावरण, बाल विकास, मनोविज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और भी क्लासें मिल सकें। आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, जो आप लोगों ने अपना इतना सारा प्यार दिया, और इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और फिर जाइए अगला क्लास देखिए। आपके PBR स्टडी पर अब तक लगभग 2000 क्लास चल चुकी हैं, आप उन्हें रिपीट करते रहें।